स्वात में मकामी ब्रिगेड कमांडर ने सैदु शरीफ में यतीम बच्चों के इदारे मस्कन में पाक फौज की जानिब से नए हॉस्टल ब्लॉक का संगे बुनियाद रख दिया। ब्रिगेड कमांडर बनू ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के आला अहदेदार से मुलाकात में बनू के हसास यूनियन काउंसिलों में जारी पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए खसूसी इकदामात पर मशावरत की। ब्रिगेड कमांडर डी आई खान ने उमदा कारकर्दगी के मुजाहरा करने वाले कस्टम अफसरान और एहलकारों को तौसीफी असनाद से नवाजा। कमांडर ने डी आई खान में एंटी स्मगलिंग इकदामात पर कस्टम्स कोशिशों को सराहा। ब्रिगेड कमांडर दोसली ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कम सरोवी का दौरा किया, जहाँ उन्होंने बच्चों के हौसला अफजाई के लिए उनमें बैग, स्टेशनरी और खेलों का सामान तकसीम किया। सिक्योरिटी फोर्सेज के जेर एहतमाम बाजौड़ में शजरकारी मुहिम के दौरान असातिज़ा, तलबा, मकामी मदीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने कसीर तादाद में पौधे लगाए और यह सिलसिला आगे कई दिनों तक जारी रहेगा। वाना में अस्करी हुकाम ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के नुमाइंदों से मुलाकात में मेडिकल कैंपस के क्याम और पोलियो मुहिम के हवाले से इकदाम पर तबादला ख्याल किया। तहसील दत्तखेल के इलाके बरमंद में मकामी कमांडिंग ऑफिसर के जेर सदारत सिविल इंतजामिया और मकामी मलिकों मशरान पर मुश्तमिल जिरगे में इलाके में प्राइमरी स्कूल के तनाजे के पुरमन हल के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया।